बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और पीवी सिंधु की इसी जीत को मनाने के लिए आज शहर में जिला खेल प्रशिक्षण केंद्र की ओर से केक काटकर पीवी सिंधु की इस जीत को मनाया गया और साथ ही पीवी सिंधु की ये जीत सभी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा रूप बनी रहे इसीलिए सभी खिलाड़ियों को कोच की ओर से मार्गदर्शन भी दिया गया। देश की बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने हाल ही में जापान में चल रही टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। ऐसे में आज जिला खेल प्रशिक्षण केंद्र की ओर से पीवी सिंधु की इस जीत को मनाया गया है। आपको बता दें कि लगातार दो ओलंपिक में बैडमिंटन में दो मेडल हासिल कर पीवी सिंधु व्यक्तिगत खेल में दो मेडल हासिल करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एसएससी के सीनियर बैडमिंटन कोच और जिला खेल प्रशिक्षण केंद्र के सीनियर कोच जयेश भालावाला की अगुवाई में केंद्र पर आज केक काटकर पीवी सिंधु की इस जीत को मनाया गया। साथ ही सीनियर कोच की ओर से पीवी सिंधु की इस जीत में से प्रेरणा लेकर सभी खिलाड़ी देश का गौरव बने इसीलिए उन्हें मार्गदर्शन भी दिया गया। अपने देश की पीवी सिंधु जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है तो हमारे सभी प्लेयर्स आज उनको बधाई देते हुए एक हमने उसके मान में और देश के देश को जो उन्होंने बहुमान दिला है वो मेडल दिला है इसलिए हमारे सभी बड़ौदा के और गुजरात के प्लेयर की ओर से उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं पीवी सिंधु को और थैंक यू वेरी मच। यू आर गिवन अ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड प्राइड फॉर प्राउड ऑफ यू पीवी सिंधु। Congratulations, PV Sindhu. India. खुशी का दिन है जो हमारे और हिंदुस्तान की बैडमिंटन गेम में पीवी सिंधु ने जो ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है उसके इस अभियान में बड़ौदा स्पोर्ट्स ऑडिटो गुजरात की डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कोचिंग सेंटर के सभी कोचिज की ओर से पीवी सिंधु को कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं और हमें बहुत गर्व से कहते हैं कि पीवी सिंधु ने ये जो सिद्धि प्राप्त की है सभी बैडमिंटन लवर्स को हमारी ओर से और पीवी सिंधु को खूब खूब बधाई देते हैं। थैंक यू। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।